दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स का रहने वाला है और फिजिक्स में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश एवं धारिता, राइट उसी सॉरी वैद्युत विभव एवं धारिता। वैद्युत विभव एवं धारिता ये दूसरा चैप्टर चल रहा था, तो उसी चैप्टर का एक टॉपिक बचा हुआ है वन डे ग्राफ जनरेटर, यानी कि वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है इसके बारे में पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर होता क्या है, इसका क्या सिद्धांत होता है, क्या इसकी संरचना होती है और क्या इसकी क्रियाविधि होती है और क्या इसके उपयोग होते हैं, यानी कि वन डे ग्राफ जनरेटर के बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में कर लेंगे। और ये चैप्टर इसका मतलब इस दूसरा वाला जो चैप्टर था फिजिक्स का उसका ये लास्ट वीडियो है थ्योरी वाला। अब इसके बाद में आपका क्या होगा, आपका स्टार्ट होगा तीसरा चैप्टर, राइट। और इस चैप्टर के पहले कराए जाएंगे न्यूमेरिकल्स, उसके बाद में होगा तीसरा चैप्टर स्टार्ट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स की हम एक अलग से सीरीज बना दिए हैं जिसमें आपके यूपी बोर्ड 12th क्लास यानी बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स प्लस IIT नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए नो यानी न्यूमेरिकल्स, साथ में आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए न्यूमेरिकल्स, साथ में NDA की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए न्यूमेरिकल्स जो भी हैं उसके लिए अलग से सीरीज बना दी है हमने, जो कि लगातार चल रही है। पहले चैप्टर के भी उसमें न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं, देन उसके बाद में पहले चैप्टर के NCERT के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, देन उसके बाद में आगे कराया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक हमारा वन डे ग्राफ जनरेटर है। सीधे सीधे पहली बात, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वन डे ग्राफ जनरेटर किसने निर्माण किया, इसका किसने इसका आविष्कार किया, कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है वन डे ग्राफ जनरेटर, जनरेटर का मतलब क्या है, जनरेटर, जनरेटर समझते हो ना, शादी ब्याह में जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है बिजली उत्पन्न करने के लिए, ठीक उसी प्रकार का ये जनरेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ से नाम पड़ा वन डे ग्राफ, तो इसको वैन डे ग्राफ भी बोलते हैं आखिर में, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वन डे लिखा रहता है तो किसी में वैन डे ग्राफ इस तरीके से लिखा रहता है ग्राफ, ठीक है। ये नाम है वैज्ञानिक का, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोफेसर वन डे ग्राफ, ये थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो अमेरिका के ये वैज्ञानिक प्रोफेसर वन डे, इन्होंने 1931 में इसकी खोज की, आविष्कार किया, बनाया, ठीक है, मतलब समझ गए आप। कम्पिटेटिव एग्जाम के दो छोटे छोटे पॉइंट क्लियर हो गए, तीन, किसके द्वारा, प्रोफेसर वन डे ग्राफ, कौन सी सन में, 1931 में, ठीक है, कौन से कहाँ के थे वैज्ञानिक, अमेरिका के थे। अब आ जाती है चीजें इसके कि ये है क्या चीज, किस चीज के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको लिखा देख रखा हो, ये एक ऐसी उपकरण या एक ऐसी मशीन बोलो या उपकरण बोलो या एक यंत्र बोलो या एक डिवाइस बोलो, जो भी आपका मन करे वो साइंस की भाषा में आप बोल सकते हो। तो मैं इसमें मैंने यहाँ पे सारे वर्ड लिख दिए जो आपको अच्छा लगे वो। तो यह एक ऐसी मशीन होती है, ऐसा समझ लीजिए, एक मशीन होती है, यह एक ऐसा उपकरण होता है या ये एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम धनावेशित कणों, धनावेशित कण समझते हो, धनावेशित कण जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि अल्फा कण, ठीक। तो ये जैसे कि धनावेशित कणों को उच्च गति देने के काम में लाया जाता है, यानी कि उनके वेग को बढ़ा देता है ये। उनके वेग को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, यदि समय के साथ वेग बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं, हम त्वरण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वन डे ग्राफ जनित्र आवेशित कणों को या धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करने में काम में लाया जाता है, यानी कि वह त्वरित गति प्रदान कर देता है। और एक और इसका खास उपयोग होता है किसमें, कि इसकी सहायता से, ये एक ऐसा उपकरण होता है, इसकी सहायता से हम उच्च यानी अति उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं, किसकी सहायता से, वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से। वन डे ग्राफ जनित्र की सहायता से हम इतना उच्च विभव, ऐसा समझिए 10,00,000 वोल्ट तक का विभव उत्पन्न कर सकते हैं। तो दो चीज इसके मुख्य रूप से उपयोग, मुख्य रूप से काम इसके आए कि यह एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से हम उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है, इसकी सहायता से उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। कितना उच्च, आपसे कोई पूछ ले कितनी कोटि तक का हम इसमें विभव उत्पन्न कर सकते हैं, 10,00,000 वोल्ट कोटि तक का विभव हम इसकी सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका एक और एनोदर यूज क्या है, एक और इसका अलग यूज है कि इसकी सहायता से हम धन आवेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन को अति उच्च वेग प्रदान कर सकते हैं, यानी अति उच्च गति प्रदान कर सकते हैं, अति उच्च वेग से हम उसको त्वरित कर सकते हैं, त्वरित का मतलब उसके वेग को बढ़ा सकते हैं।
या उसको हम अति उच्च गति दी जाती है इसके सहायता से, ठीक है, अति उच्च गति दी जा सकती है, अति उच्च वेग प्रदान किया जा सकता है, एज योर चॉइस कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, चलिएगा ये समझ में आ गया। अब ये होता क्या है, इसकी संरचना पेपर में आपका आएगा, पहले इसका सिद्धांत, सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इसका जो सिद्धांत है, ठीक है, अभी देखने में आपको सारी क्रियाविधि 3D डायग्राम से भी समझा दूंगा मैं, आपको चिंता ना करो, ठीक है। पहली बात इसका सिद्धांत की बात कर लेते हैं। इसका सिद्धांत किन किन बातों पर निर्भर करता है? इसका सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है जो कि आप बखूबी जानते हो। पहली बात कि इसका सिद्धांत कितनी बात है, यहाँ पे लिख दीजिए, इसका सिद्धांत दो बातों पर निर्भर करता है या दो कामों पर बेस्ड है। सीधे सीधे आप इसका सिद्धांत लिख दीजिए, वन डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत निम्नलिखित है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दो पॉइंट लिखेंगे। आप पहला चीज क्या जानते हो, यदि मैं मान ले रहा हूं ये धातु है, समझ लीजिए आपका ये कटोरी है, वैसे तो आप समझो कि ये धातु का कोई खोखला गोला है या गोलीय चालक है, ऐसे समझ लो गोल बना हुआ है, मान के चलो, सपोज कर लो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो ज्यादातर मान के ही करते हैं कि ये है। अब इसको यदि मैं चालक तार से जोड़कर, इसको ऐसे समझो ये चालक तार है, इसको मैं विभव दूं तो ये क्या होगा, विभव इसके अंदर जाएगा या इसके बाहर फैलेगा? आपको पता है हम पहले चैप्टर में बता ही चुके हैं, जब किसी चालक को हम विभव देते हैं तो उसकी बाहरी सतह पर फैल जाता है, तो यही इसका सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है, जब खोखले गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो यह चालक की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जब हम इस चालक को आवेश देंगे तो इसके बाहर क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, आवेश इसके बाहर फैल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से धनावेश इस तरीके से इस पर आ जाएगा। देखिए मैंने या आप देख लीजिए, है ना, इस तरीके से इसके चारों तरफ फैल जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गई चीज, पहला पॉइंट सिद्धांत का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वायु में आवेश का विसर्जन नुकीले सिरों के द्वारा होता है या कोम्ब के द्वारा होता है। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा ये पॉइंट, जब समझ में आएगा, जब मैं आपको यहाँ पर क्रियाविधि समझाऊंगा, क्या क्रियाविधि समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए इस पॉइंट को आप ऐसे ही लर्न कर लीजिए कि आवेशित चालक से वायु में विसर्जन, विसर्जन का मतलब क्या है, वायु में लीकेज नुकीले सिरों, नुकीले का मतलब क्या है, नुकीले सिरों का मतलब कोम्बों के द्वारा होता है। तो वायु में लीकेज कोम्ब के द्वारा होता है या नुकीले सिरों के द्वारा होता है, तो इस चीज को आप अपने दिमाग में अभी मेंटली याद रखिएगा, ठीक है। ये थ्योरी आपको मैं नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, तो उसमें मिल जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आया चीजें, अभी तक तो मैंने सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, इसके आगे की क्रियाविधि आप वीडियो को देखोगे, रोकोगे, सबको समझ में आएगा। अब चलिएगा इसमें, अब इसके देखिए वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है उसके बारे में लिख दिया, अब हमने इसका सिद्धांत लिख दिया, अब सीधे सीधे आपकी लिखी जाएगी हेडिंग डालोगे आप संरचना, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको पहले संरचना लिखनी है और ये चित्र बना देगा। संरचना जब बनाओगे तो उसमें इसको चित्र बनाना, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, चित्र से ही आपको सारी दुविधाएं सारे समस्याएं हल हो जाएंगी। देखिएगा कैसे वन डे ग्राफ जनित्र में क्या क्या होता है वो सारी चीजें, ठीक है। वन डे ग्राफ जनित्र में एक धातु का खोखला गोला होता है, ये देखिएगा, ये रहा क्या है, ये है आपका धातु का खोखला गोला, लाइक दिस ये क्या है, धातु का समझ लो खोखला गोला है, ठीक है, ऐसा समझ ले गोल है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा कटा हुआ है, ठीक है, क्योंकि खोखला बनाएगा कटा हुआ है, ठीक, समझ लेना चीजों को, देखो यहीं पे, और आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा इस तरीके का है, ठीक है, खोखला। इसमें संरचना आप देखिएगा, हर एक चार पॉइंट बताऊंगा, चार पांच लाइन बताऊंगा, छोटी छोटी उनको लिख लीजिएगा। इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है, गोला दो, जो धातु का खोखला गोला होता है जो दो अचालक स्तंभों पर टिका रहता है, जो दो अचालक स्तंभों पर, दो अचालक स्तंभों ए बी पर टिका होता है, लाइक दिस, ये दो अचालक स्तंभ हैं और इस पर हमने इस तरीके से इसको टेक दिया, इस तरह से दो अचालक स्तंभों पर ये टिका होता है, ठीक है, चलिएगा। इसमें दो घिरनी P1 व P2, इसमें दो घिरनी होती हैं, इसमें दो घिरनी P1 व P2 होती हैं, दो घिरनी, घिरनी का मतलब क्या है,
जिनसे कोई बेल्ट गुजरती है, जिनसे इनसे इनसे होकर कोई बेल्ट गुजरती है, ठीक है, समझ में आ गई चीज। चलिएगा, इसके ऊपर रबड़ या रेशम की एक बेल्ट लगी होती है, रबड़ या रेशम की बेल्ट लगी होती है, ठीक है। इसके इस बेल्ट को वैद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इस बेल्ट को, इस घिरनियों को या इस बेल्ट को किसकी सहायता से? विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है, ठीक है। इसमें दो कॉम्ब, इसमें दो नुकीले सिरे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉम्ब, C1 में C2 होते हैं। C1 कॉम्ब विद्युत उच्च वोल्टेज स्रोत से जुड़ा होता है, कॉम्ब C1 उच्च विद्युत स्रोत से जुड़ा होता है, तथा कॉम्ब C2 धातु के खोखले गोले से जुड़ा होता है। कॉम्ब C2 धातु के खोखले गोले से जुड़ा होता है। बस इतनी आपको संरचना लिखनी है, संरचना आपको समझ आएगी पॉइंट बाई पॉइंट। बहुत जल्दी से हम एक बार और फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। इसमें एक धातु का गोला होता है, इसमें एक धातु का खोखला गोला होता है, जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका होता है, एक अचालक स्तंभ पर रखा होता है। इसमें दो घिरनियां P1 व P2 होती हैं, जिनके ऊपर रबड़ की बेल्ट या रेशम की बेल्ट लगी होती है। इस रबड़ की बेल्ट को विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें दो नुकीले सिरे अर्थात कॉम्ब C1 व C2 होते हैं। कॉम्ब C1 उच्च विद्युत उच्च वोल्टेज स्रोत से जुड़ा होता है, तथा C2 खोखले गोले से जुड़ा होता है, ठीक। चलिएगा, बस इतना ही। चलिए अब इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि को मैं पहले समझा देता हूं पहले, फिर आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। साथ में आपको एक वीडियो टाइप की दिखाई दे रही होगी, उसको भी देखते रहना, चीजें समझ में आती रहेंगी। देखिएगा, अब इसकी संरचना हो गई आपकी, आप सीधे सीधे आते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि बहुत ही सिंपल है। देखिएगा, क्योंकि ये उच्च क्या है? उच्च वोल्टेज स्रोत है। ये क्या है आपका? उच्च वोल्टेज स्रोत, क्योंकि हाईली वोल्टेज यहां पर क्या? हाईली वोल्टेज। तो ये हाईली वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या? हाईली वोल्टेज होंगे, हाई वोल्टेज होंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जरा चीजों को सीखो। यहां से हाईली वोल्टेज है, तो यहां से धनात्मक आवेश, यानी यहां से धन आवेश यहां पर C2 पर आ गया, ये धनावेश C1 पर आ गया। C1 अपने आप से क्या है? धनात्मक धनावेश उत्पन्न कर रहा है, धनावेश उत्पन्न कर रहा है। जैसे ये क्योंकि ये विद्युत मोटर चल रही है, ऐसे समझो, दिमाग में लगाओ, दिमाग सोचो जरा, और वीडियो में देखते रहो। जैसे ये विद्युत मोटर इसको चला रही है, घुमा रही है लगातार, विद्युत मोटर इसको लगातार घुमा रही है, तो ये क्या होगा? ये बेल्ट ऊपर इस तरीके से घूम रही होगी, ये बेल्ट इस तरीके से घूम रही होगी, ऐसे ऐसे। जब बेल्ट घूम रही है, तो यहाँ पर ये धनात्मक आवेश इस बेल्ट पर आ जाएगा, और बेल्ट की सहायता से, क्योंकि बेल्ट ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि ये विद्युत मोटर लगातार इस बेल्ट को घुमा रही है, तो क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा धनावेश। और यहाँ पर ये C2 इसको क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा। C2 अपने आप में क्या कर लेगा? इस धनावेश को कलेक्ट कर लेगा, यानी कि ये धातु का है, इस तरीके से धनावेश यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये चालक तार से जुड़ा हुआ है। कॉम्ब C2 देख धातु का है और धातु का बना हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आवेश धनावेश इस खोखले गोले पर आ गया। और मैंने क्या बताया था? जैसे ही धनावेश इस खोखले गोले पर आएगा, तो इसके बाहरी सतह पर क्या हो जाएगा? ये समान रूप से फैल जाएगा। इस पर क्या हो जाता है? ये समान रूप से धनावेश यहाँ पर फैल जाता है, इस पर ये धनावेश लगातार फैल जाता है, क्योंकि विद्युत मोटर लगातार चल रही है, ये लगातार बेल्ट गतिमान है, तो लगातार ये बेल्ट गतिमान रहती है, तो ये धनावेश इस पर लगातार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है, 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 इस तरीके से लगातार बढ़ता जाता है। तो एक हर चीज की अपने आप में एक सीमा होती है सहन करने की, ठीक है। तो आदमी को दर्द होता है, चीखेगा नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसको चीख निकली जाएगी स्वयं, क्योंकि एक सीमा तक वो दर्द को सहन कर सकता है। उसी तरीके से ये वाला खोखला गोला भी एक निश्चित सीमा तक ही आवेश को सहन कर सकता है। तो एक इसकी जो इसकी एक निश्चित सीमा से अधिक आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो इस आवेश का वायु में लीकेज होने लगता है, अर्थात वायु में विसर्जन होने लगता है। ये आवेश वायु में
क्षरण होने लगता है इसका, और इस क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को हम किससे, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस पूरे उपकरण को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और इसको वायु से भरे हुए टैंक में या एक वायु से भरे हुए कक्ष में इसको बंद कर देते हैं। अर्थात इसको एक वायु से भरे हुए कक्ष में या नाइट्रोजन से भरे हुए कक्ष में या स्टील से बना हुआ एक कक्ष बना देते हैं, स्टील का बना हुआ कक्ष, और उसमें नाइट्रोजन गैस या वायु भर देते हैं ताकि इसका वायु में लीकेज ना हो। ठीक है, तो ये इसकी क्रियाविधि है। हर पॉइंट को आप पीछे करोगे आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। समझ में आ गई ना चीजें, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथ में आपको वीडियो दिखाई दी होगी तो वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब थ्योरी में आपको नोट्स डाल दूंगा तो उसमें इसके वीडियो के नीचे नोट्स मिल जाएंगे, या अदरवाइज मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आपको वन डे ग्राफ जनरेटर के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। थ्योरी आपको समझ में आ गई, चलिए इन शॉर्ट वे, इन शॉर्ट तो मैं आपको एक बार और आपको बता दे रहा हूं इसकी क्रियाविधि। इसमें ये C2 C1 क्रियाविधि स्टार्ट होती है यहां से कि C1 कॉम्ब C1 एक अति उच्च वोल्टेज स्रोत से जुड़ा होने के कारण C1 पर उच्च धनावेश होता है, क्योंकि बेल्ट को विद्युत मोटर की सहायता से चलाया जाता है, तो यह धनावेश बेल्ट की सहायता से कॉम्ब C2 तक पहुंच जाता है। C2 इस खोखले गोले से जुड़ा हुआ है, धातु के खोखले गोले से जुड़ा हुआ है, इसलिए समस्त धनावेश खोखले गोले की बाहरी सतह पर समान रूप से वितरित होने लगता है। बेल्ट के लगातार गतिमान होने के कारण खोखले गोले की बाहरी सतह पर लगातार धनावेश बढ़ता जाता है, और एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर यह आवेश वायु में लीकेज होने लगता है, या इस आवेश का वायु में क्षरण होने लगता है। इस क्षरण को रोकने के लिए संपूर्ण उपकरण को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, या इस संपूर्ण उपकरण को स्टील से बने एक कक्ष में रख दिया जाता है, या वायु से बने एक कक्ष में रख दिया जाता है जहां पर वायु प्रवाहित की जाती है, या जहां पर पहले से वायु या नाइट्रोजन गैस उपस्थित रहती है। बस इतनी इसकी क्रियाविधि है, समझ में आ गई बात। इसी से क्या हो जाता है, इस गोले को आप छू के देखोगे ना, एक कार्डबोर्ड पर खड़े हो जाओ आप ताकि आपको करंट ना लगे, और इसको जैसे हाथ रखोगे तो इतना उच्च विभव होता है कि मतलब कुछ ही देर में, कुछ ही सेकंड में आपके बाल एकदम खत्म, बिल्कुल एकदम मतलब खड़े हो जाएंगे, ऐसे एकदम खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये अति उच्च विभव पर होता है, और इसमें आपके बाद क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब कभी टीवी भी देखी होगी उसके पास में आप बाल ले जाते हो तो वो भी चार्ज हो जाती है, इसके कारण इसमें क्या हो जाते हैं, बाल भी खड़े हो जाते हैं। उसी तरीके से ये बाल भी आपके खड़े हो जाते हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं वो, ठीक है, आगे आपको डेली लाइफ के यूज बताएंगे आगे। फिलहाल आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो में कुछ समझ में आया, अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा, नहीं कुछ समझ में आया है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इस वीडियो को दोबारा से समझाऊंगा, रिपीट करूंगा। तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाता है। इसमें मैंने एक टॉपिक आपका छोड़ा है, संधारित्रों का समायोजन, क्योंकि वो यूपी बोर्ड के एग्जाम से हटा दिया गया है सिलेबस से, लेकिन मैं उसको पढ़ा दूंगा, इन शॉर्ट आपको एक वीडियो बना के पढ़ा दूंगा, ताकि और बोर्ड के जहां पर वो चल रहा है उनको काम में आए, और ये आगे आपको भी काम में आएगा, जैसे कि NDA और एयरफोर्स वगैरह, वहां पर आपके सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर। तो ये बहुत ही सिंपल से छोटा सा एक डेरिवेशन होते हैं, इसमें दो छोटे उनको मैं करा दूंगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म, नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा कल से, तीसरा चैप्टर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, इंजॉय लेकर आपकी पढ़ा होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।